दोस्तों आपने जी टीवी का लोकप्रिय शो जोधा अकबर तो देखा ही होगा, जिसे दर्शकों ने बड़ा पसंद किया। इस शो में कई कलाकार मुख्य किरदार निभाते हुए दिखे थे, जिसमें से किरदार था अकबर की दूसरी पत्नी रजिया सुल्तान बेगम का। इसे निभाने वाली अभिनेत्री ने बड़ी खूबसूरती से इस किरदार को पर्दे पर उतारा था और दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अकबर की दूसरी पत्नी का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई ये अभिनेत्री आज कहाँ है, क्या करती है, कैसी दिखती है, आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही इस दमदार सीरियल के लिए वीडियो को लाइक कर दो। जोधा अकबर सीरियल में रजिया सुल्तान का किरदार निभाने वाली असली अभिनेत्री लवीना टंडन है, जिनका जन्म 14 मई 1991 को लुधियाना में हुआ। सारी पढ़ाई भी वहीं हुई। अगर बात करें अभिनय करियर की, तो इन्हें बचपन से एक्टिंग में बड़ा शौक रहा है, जिसके चलते इन्होंने पढ़ाई खत्म करने के बाद लुधियाना से मुंबई आने का निश्चय किया। यहाँ आकर इन्होंने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत कर दी और मॉडलिंग में अच्छा खासा मुकाम हासिल किया। इनकी इसी लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें छोटे पर्दे की सीरियल तुम बिन जाऊं कहां में एक छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला, जिसे इन्होंने बड़े खूबसूरती से निभाया और लोकप्रिय हो गई। इस सीरियल के बाद इन्होंने कई और सीरियल में काम किया, जिनमें धरती का वीर योद्धा, पृथ्वीराज चौहान, यहां मैं घर घर खेली, बालवीर, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो और दिल मिल गए जैसे सीरियल में काम किया। इनके अभिनय को इन सभी शो में पसंद किया गया, लेकिन इन्हें लोकप्रियता जोधा अकबर सीरियल से मिली, जहां इन्होंने अकबर की दूसरी पत्नी का नेगेटिव किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने बड़ा पसंद किया। इस शो में इन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई। इस शो के बाद इन्हें अपने मनपसंद सीरियल नहीं मिले, जिसके चलते इन्होंने इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया और अपने निजी जीवन में व्यस्त हो गई। आखिरी बार इन्हें 2018 की सीरियल विषय अमृत सितारा में सुरीली का किरदार निभाते हुए देखा गया था। आपको बता दें, टीवी इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए इन्हें काफी समय हो चुका है। इन बीते समय में काफी बदल भी चुकी हैं। आज ये 28 साल की है, पहले से ज्यादा ग्लैमरस और स्टाइलिश हो चुकी हैं। आपको बता दें, लवीना टंडन ने बेशक अपने अभिनय करियर से ब्रेक लिया हुआ है, पर इन्होंने अभी भी अपने अभिनय करियर को जारी रखा है और एक खास मौके का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, आपको लवीना टंडन का बदला हुआ लुक कैसा लगा, हमें कॉमेंट करके बताइए। और टीवी से जुड़ी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना।